शिवलिंग की पूजा करते हैं हम आप? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न गलत था कि मैं मना करता हूं? मैं कतई मना नहीं करता। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कौन मूर्ख रोकेगा आपको? कैसे चढ़ेगा जल? फिर आपको शिव की इच्छा में चलना होगा कि शिवलिंग जो बने हैं वो किसकी इच्छा से बने? समझाया गया ना, लोग बोल रहे थे ना कि शिवलिंग में माना जाता है कि ऊपरी भाग आकाश है और उसकी जो पीठिका है, नीचे का जो भाग है वो पृथ्वी है। ये आकाश और पृथ्वी किसने बनाए? किसी की इच्छा से बने हैं ये? शिवेच्छा किसी की इच्छा से बने हैं ये? तो उसी की इच्छा से ना फिर वापस होंगे। तो मूल अस्त्र तो आप खो चुके हैं। शिव भाव आपके पास रहेगा तब ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात उठेगी। यही बात कुंडलनी साधना में भी है। शक्ति कुंडलनी साधना कौन चाहिए? कुल मने शक्ति, कुंडलनी मने शक्ति, जहां घेरा मारे हुए, बस उसका अर्थ यही। वो जो शक्ति है यानी शिव की जो इच्छा है वो पांचों तत्वों से गुजरते हुए क्षिति तत्व तक जब आई है, पृथ्वी तत्व तक जब आई है, तब साधक ने कहा कि इसी को जगा के चलते हैं। जैसे आप ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ से नीचे उतरे हैं, किसी ने कहा ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। किसी ने कहा दूर हवाई जहाज स्टार्ट करते रहे, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते रहे, सीढ़ी लगाते रहे, तो उन्हीं रास्तों से चढ़ने का नाम है कुंडलनी साधना। ये कुंडलनी उतरी कैसे है भाई साहब? ये शक्ति आई कैसे है पृथ्वी तत्व में? शिव की इच्छा से आई। अपार शक्ति है, गजब की शक्ति है। कहा जाता है कि मिट्टी में जो ताकत है, क्षिति तत्व में जो ताकत है, करोड़ों बिजलियों की चमक है। एक बिजली की चमक तो जुलुम है, कोटि सौदामिनी भासाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। सोचिए उसमें कितना, कितनी ऊर्जा है, कितनी उष्मा है। किसी ने कहा कि महादेव की इच्छा से चलो महादेव के साथ रहेंगे, मन रहेगा, शरीर तो रहेगा नहीं, महादेव ही सब कुछ है। किसी ने यह सोचा, जैसे जैसे उसका मन शिव की इच्छा के करीब जाएगा, उसकी शक्तियां तो और ऊपर उठती जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? क्यों शक्तियों को उठाएगा साला? वो तो सीधे हेलीकॉप्टर उड़ा है, छत पर चला गया। आप सीढ़ी चढ़िए, आपको शौक है सीढ़ी चढ़ने का, चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ सकते हैं आप, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। आपके पास अस्त्र तो दिया हुआ है इच्छा का। आप गुरु के पास जाइए, आपको वो शिव से जोड़ेंगे। हरे गुरु गए काम है, आपको वो शिव से जोड़ेंगे। जैसे जैसे शिव भाव में आपका मन जाएगा, जैसे जैसे शिव आपको अच्छे लगने लगेंगे, तब जरूरत हो तो जल चढ़ाइए, जो चढ़ाना है चढ़ाइए। परिणाम इतने सुंदर आएंगे, इतने सुंदर आएंगे कि मत पूछिए, लेकिन तब तक जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जब शिव की इच्छा से अपने को जोड़ने लगेंगे, जब शिव ही आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो जगत कितना अच्छा लगेगा जरूरत भर। तो क्या चाहेंगे आप? शिवलिंग की पूजा भी करेंगे तो चाहेंगे हे महादेव आप जो चाहते हैं वही हम कर पाए, इतनी भर दिया कर दीजिए। कहे कि शिव से जैसे जैसे मिलने लगेंगे आप, जैसे जैसे अपनी बहन को आप प्यार करने लगते हैं, अब बहन की इच्छा आप पर हावी होने लगती है। जैसे जैसे किसी को प्यार करने लगते हैं, उसकी इच्छा आप पर हावी होने लगती है, अपनी इच्छा को आप दाबते हैं। प्रेम के ये लक्षण है, प्रेमी अपने प्रेम पात्र की इच्छाओं के अनुकूल कार्य करना चाहता है और करता है। ये सामान्य से लक्षण है। तो जब शिव भाव में आपका मन जाने लगेगा तो लौकिक कौन सी कामना बच जाएगी? आपको तो लगेगा कि साला यहां एक्टिंग ना करना है, एक्टिंग है हम लोग, चलो जितना देर निभाना है निभा देते हैं, यहां तो कोई रहा नहीं है, जाना तो है ले, तो क्या इतना हाय हाय करना, क्या यहां हल ना करना, चलो काम चलाओ काम चलाओ काम चलाओ, क्योंकि यहां रहने की जगह नहीं है, हमारा आपका घर द्वार नहीं है।
तो अन्नू बाबू ने जो शिवलिंग की व्याख्या की, सही व्याख्या की, लेकिन अन्नू बाबू ने एक पंक्ति भी कही थी, हमारा आपका मन कचड़ों को तो पकड़ता है लेकिन सही बात को नहीं पकड़ पाता, कारण जो भी हो, कारण ये है कि परिस्थितियां हम लोगों का साथ नहीं दे रही हैं, माहौल कुछ ऐसा नहीं है। अनुभव ने कहा था कि शिवलिंग पर जलार्पण तभी पूरी तरह फलदायी होंगे जब शिव भाव से आप चढ़ाएंगे। आप तो लौकिक भाव से चढ़ाते हैं, आप तो चढ़ाते हैं कि हमारा बेटा हो जाए, या हमको पुत्र मिल जाए, या हमारी नौकरी मिल जाए, या फलाना बीमारी से या कष्ट से हम निवृत्त हो जाएं। आपके तो लौकिक भाव है, वहां तो शिव भाव आवेगा कहां से? और जब तक शिव भाव नहीं आवेगा, गाड़ी चलाना जानते ही नहीं है भाई साहब, क्यों स्टीयरिंग पर बैठ रहे हैं, सीख लीजिए ना। तब स्टीयरिंग पर कोई भी कहेगा हाँ भाई साहब आप ही चलाइए, हम बैठते। तो शिवलिंग की पूजा गलत नहीं है, अगर शिव भाव से शिवलिंग की पूजा की जाए, धरती का कोई असाध्य कार्य ऐसा नहीं है जो साध्य नहीं हो सकता है, जो हो नहीं सकता। लेकिन जब शिव भाव में मन चला जाएगा, जब बहन को मन मानने लगा है और वो लाल साड़ी पसंद करती है और आपको लाल साड़ी पसंद नहीं है, आप तो उसके लिए लाल साड़ी ही खरीदेंगे, तब तो आपकी अपनी इच्छाएं शमित होने लगेंगी, दबने लगेंगी, इच्छाएं घटने लगेंगी आपकी अपनी, और आप जिसको मानते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उसके आकर्षण, उसकी बातें आपको प्रभावित करेंगी। ठीक वही बात है पूजा की दुनिया में भी। अनुभव ने कहा था कि शिव भाव हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आप, ठीक है, कमोबेश तो मिल ही जाता है, कुछ भाव होता ही है शिव के प्रति, ज्यादा भाव होता है अपनी अपने काम के प्रति, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन पूरा अगर चाहिए तो शिव भाव में जाना होगा, और शिव भाव में जैसे जाइएगा इच्छा ही खत्म हो जाती है, मारो ठीक है, यही होता। आप सबों को मेरा प्रणाम। सावन महीना आइलै सुनु यो भौजी, जल बाचा धाबे चल देव घरियो। सावन महीना आइलै सुनु यो भौजी, जल बाचा धाबे चल देव घरियो। बाबा दयालु छथिन दुख बातो हर, छान भर में लेकिन हरियो। भोला दयालु छथिन दुख बातो हर, छान भर में लेकिन हरियो।